ये सब जाली है ढके और गावर है भाई भंडारे पहली बार किसने के देखा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं ग्राउंड पे वर्कआउट करने लग रहा हूँ, आधा वर्कआउट हो गया आधा रह गया यार। थोड़ा आज वर्कआउट अच्छी तरह नहीं हो रहा, हम जल्दी आके थोड़ी आज मेरी नींद भी अच्छी तरह पूरी नहीं हुई तो पता नहीं, तो पर अच्छा वर्कआउट हो रहा है अभी तक। और कितना अच्छा सनसेट हुआ है ना, मैंने इसलिए वो लोग स्टार्ट किया। देखो मैं सनसेट दिखाता हूँ आपको। तो गाइस कितना अच्छा सनसेट लग रहा है, वैसे मेरा कैमरा अच्छी तरह रिकॉर्ड कर नहीं पाएगा, मतलब इन दो पेड़ों के बीच से। और बहुत ही मतलब तो मौसम खुल गया है, नहीं तो एकदम बारिश का मौसम हो गया था, पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यार। आज ठंडा ठंडा मौसम है देखो, और आज अलग ही सनसेट लग रहा है क्योंकि बादल यार पहले अब बादल हुए ना बारिश के, तो एकदम बादल फट से गए, तो उनके बीच में सूरज आया ना, तो बहुत अच्छा सनसेट लग रहा है। तो हम थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट करते हैं फिर चलते हैं घर पर, चलो। सो गाइस, अंधेरे के राजा रोहित भाई धोले कपड़े पहन कर आ गए हैं, रोशनी कपड़े, और अंधेरे के राजा हैं, काले अंधेरे में तो दिखते भी नहीं है। आठ बजे के बाद ना गायब होने लगते हैं, पता नहीं कौन सी दवाई लगाते हैं, आठ बजे के बाद दिखते ही नहीं, आठ बजे के बाद अंधेरे के बाद। तो अब चलते हैं घूमने फिरने कहीं पर, चलो। और गाइस आज एक और बात, आज है भंडारा, कहाँ पर एमबीडी स्कूल में, बहुत ही मतलब पूरी का देना खाप का भंडारा है हमारा सरनेम का देना, तो उसके जितने भी का देना सरनेम के गाँव है ना 12 के 12 यहाँ पर आस पास, तो उन सभी का भंडारा एमबीडी स्कूल में फूल देसी घी का, आज वहाँ पर जाएंगे मज़ा आएगा, चलो। तो गाइस मैंने जैसे आपको सवेरे बता दिया कि आज बहुत ही ठंडा मौसम, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी गुजरात में बहुत ही ज़्यादा तूफान की आशंका जताई जा रही है, 15 जून को गुजरात और राजस्थान में फुल हाई अलर्ट है, और हरियाणा में भी आ सकता है कुछ हिसार साइड, मतलब अपनी साइड भी अपने गांव में शायद ही आएगा, पर हाँ वैसे ठंडा मौसम रहेगा, फुल तूफान भी रहेगा पर इतना तेज नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा की दूरी हो जाती है यार, पर आ भी जाए क्या पता कुदरत का, भगवान का क्या पता क्या कर दे माता, तो देखते हैं क्या। फिलहाल वैसे ठंडा मौसम है, और फिर अब जाएंगे थोड़ी देर बाद मतलब 2-3 घंटे बाद भंडारे में, हमारा सभी को पता मैंने बताया था आपको आज कदर खपा भंडारा है एमबीडी स्कूल में वहाँ पर, और बिल्कुल ठंडा ठंडी हवा चल रही है, बाहर बैठने का मन कर रहा है, और अभी एक बार तो धूप निकल गई थी यार, हवा नहीं निकल रही, पर अब सही ठंडा मौसम है गर्मी में, अब की बार गर्मी में बहुत ठंडे मौसम रहे, इतना ठंडे मौसम कभी भी नहीं रहे यार, अब तो रेस्ट करते थोड़ा। तो भाई अपने भंडारे में जाने की तैयारी होकर बैठ रहे, उड़ा ले रही ना उड़ा लिया चल रहे भाई। तो गाइस भंडारे में इतनी भीड़ है देख सको, आग गति ट्रैफिक लग गया भंडारे में, स्टार्ट कर ले बंद होगी तो बारिश की बाइक बंद होगी, बाइक स्टार्ट कर ले फिर बंद होगी, ट्रक ना डांडे आप लग जा रहा था, भंडारे मिलते हैं गाइस चलो। सो गाइस यहाँ पर वो बाबा जी तपते थे, देखो शाम में दिखता होगा आपको, अरे यहाँ पे हवन होया था आज, 12 गांव का भंडारा भाई, विशाल भंडारा अब भाई, यार तो गर्मी घनी है रे भाई, उड़ा बाबा जी तपया थे वो बिल्कुल गर्म, बिल्कुल गर्मी लग गए, उरे बीन चल रही है ये पिटा पुटा काट रखे भाई, कार भाई चाल ले रही है भाई, वो तो बागा चाल लगा है भाई, तो अड़ तो मेला ही लाग गया नुका नु पूरी घना ट्रैफिक थी पूरा मेला, मेरे को दो 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 व्लॉगिंग शूट होने लाग रहे हैं, दो व्लॉग करने लाग रहे हैं हम दोनों जने,
अब इतर बड़ी गए आ गए खाने पीने जिस जिस जगह का हमने कई दिन आते इंतजार था उस जगह अब आ गए खत्म हो रहे दोस्त अपना कंटेंट चाहिए पूरी पूरी खत्म हो रही है पर कड़ा खत्म हो रही देख लो भाई पब्लिक ना भाई पब्लिक के पब्लिक से सर कित बैठोगे रे अच्छी ढूंगा जाना पड़ा था कोई ना मैं तो बट्टा की चप्पल पैर कर कोई ना ठीक लेगा था मेरी गजे बड़ी बिंदरी है मैं रहेगा था वो कितू गया चलो भाई ये सब जाली है और गावर है भाई भंडारे पहली बार किसने गेम देखा था अरे चप्पल काट दिया भाई आगे घास में चल रहे तो भाई एक प्लेट और 100 आदमी एक बदल गया भाई और आ गया अपना देसी की घर हां मिनट मिनट मार दिया भाई हम ये लाला बैठे हैं पूरा आ गया गाल दे भाई गाल दे कोई ना देसी घी का घी और तो भाई हमारी पूरी पूरी तो आ गई है और ये लाला सब्जी की बाल्टी खा गया सारी की सारी अरे सब्जी आला की तैयार है सब्जी वाला दिखे नहीं रहा कितना सब्जी वाला वो रहा बालू सही वाला को ना डगड़ा गया दोस्त इतनी देर में इतना आठ ना आ जाओ सो गाइस शाम का टाइम हो गया है और उधर जाने का छोटे चारे और काले भाई आ गए हैं दिख नहीं दिख तू भी काला है दिखता है कोने मेरे यार देख जमा ना दिखता कू ना दिख रहा ये भी दिखा थोड़ा बहुत आदमी ना पड़े फोन खराब है ये फोन नंबर बदल के ला दो दिखता को नहीं बुरा आदमी भी काला से दिखे ही नहीं दिखता को नहीं तू जमा भी दिखता को नहीं तू जमा भी और नहीं दिखता जमा भी तो गाइस उदाली के पास पहुंच चुके हैं वहाँ पर सामने उदाली है और यहाँ पर अपना मटके का पानी पीते हैं तो गाइस यहाँ पर इस पे मिट्टी लगी हुई थी वो मिट्टी उतार दी और फिर भी ठंडा पानी रहता है देख लो बिल्कुल धूप पड़ती है और फिर भी इसमें ना वाटर कूलर जैसा चिल्ड पानी पाएगा पहले तो एक 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 गिलास में इस बासन पर घेर देता हूँ क्योंकि इससे ना यार क्या होता है कि मिट्टी वो जो है ना मिट्टी का बासन मिट्टी को दे मटके तो ठंडा हो जाएगा चलो पीते हैं पानी तो गाइस दाढ़ी में देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है सनसेट का हेलो गाइस देखो यार आप देख सकते हैं हमारे साथ अंकित भाई कालू भाई बैठे हुए हैं पीछे सिम्बा है अंकित काली हो रहा असल थोड़ी देर में घर पर चलो तो गाइस शाम का टाइम हो गया है बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है अब घर पर जाते हैं आज का लोग यहीं पर एंड करते हैं काफ़ी मज़ा है काफ़ी अच्छा दिन गया और भंडारू जिम में क्या है यार प्रभाव थोड़ी दिक्कत पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए थोड़े खाने में दिक्कत हो गई थी थोड़ा लेट हो रहा था यार पता वो भी इंसान नहीं मशीन तो नहीं फटाफट बना देंगे टाइम तो लगता है पर बहुत ही अच्छा दिन गया काफ़ी मज़े किए फिर आप लोग हिचकी आ रही मेरे तो खाना ज़्यादा हो गया भंडारे फिर आप लोग को यहीं पर एंड करते हैं आपको कल मिलते हैं आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल चलिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर